साहब मानसून हिट कर चुका है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हिट कर चुका है, थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी है, उसकी वजह से मौसम एकदम सुहाना हो चुका है। तो इसीलिए अपन ने एक सीरीज चालू किया अपने चैनल पे जो कि होगी मानसून लोनावला दर्शन 2020। तो बस उसी से रिलेटेड आज का अपना पहला पॉइंट होगा लायंस पॉइंट और शिवलिंग पॉइंट। तो इस बार मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, आप लोग एंजॉय करो ये रोड, क्योंकि ये रोड ही लायंस पॉइंट की शोभा बढ़ाता है। YouTube फैमिली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ लायंस पॉइंट पे और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं रहेगा ना तो शूट करने का आनंद अलग ही रहता है, आनंद खुशी जो भी है समझ लो। तो भाई साहब अभी आप लोग व्यू देखो, क्योंकि व्यू अभी का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर बाद फिर धूप निकलेगी इतनी ज़्यादा, फिर व्यू की खराबी हो जाएगी। तो आप लोग पहले व्यू इंजॉय करो, फिर अपन मिलते हैं। क्या व्यू है गाइज, मतलब सही बताओ तो ये भी व्यू कुछ भी नहीं है, मतलब जब फॉग होता है ना ये पूरा का पूरा फॉग से फिल्ड अप हो जाता है, वो एक पीक सिर्फ दिखता है थोड़ा सा और यहाँ पे भी फॉग होता है, तो वो वाला तो एकदम ऑसम ही होता है, लेकिन आज फॉग नहीं है, बैड लक हमारा। लेकिन एनीवेज हम लोग यहाँ पे आए, इतना ज़्यादा व्यू इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है देख सकते हो, मतलब क्योंकि बंद किया है टेम्पररी, वहाँ पे खुला दिखा इसलिए मैं फटक से आ गया। तो आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये वीडियो के थ्रू पूरा का पूरा इंजॉय कर सकते हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यही मेरा मोटो है। वैसे अब मेरी थोड़ी फट रही है क्योंकि मैंने बाइक वहाँ पे पार्क की है, मतलब जहाँ से एंट्री है ना वहाँ पे पार्क किया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है और अपने गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही सामान लगा है। तो एनीवेज आप लोग अभी और ज़्यादा सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो, क्योंकि ये वीडियो पूरा का पूरा सिनेमेटिक्स पे ही डिपेंडेंट है, मतलब मुझे ये स्पॉट जितने भी मैं कवर करूँगा वो ज़्यादा शोकेस करने हैं। तो चलो इन्जॉय करो, फिर अपन मिलते हैं, नेक्स्ट स्पॉट पर जाने का है तभी मिलते। सब कुछ सुना सुना है और इतना मज़ा आ रहा है ना शूट करने को, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है कि कोरोना की वजह से ये सब है। वहाँ पे तो काफ़ी सारे शॉप्स है, मतलब आपको अगर कोई डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना तो मेरे प्रीवियस वाले व्लॉग्स देखो। वैसे ना ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने ये पूरा दिखाया था और पूरा पूरा कचरे से भरा हुआ था, और अभी आप लोग देख सकते हो पूरा क्लीन है, दूसरा कोई नहीं हम ह्यूमंस ही खराबी करते हैं। एनीवेज गाइस ये सब बातें हम लोग नहीं करेंगे ये वाले व्लॉग में, क्योंकि ये वाला व्लॉग फन और मस्ती वाला व्लॉग है। तो भाई साहब अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुक गया ना तो मैं और ज़्यादा शॉट्स लेते बैठूँगा। और भाई साहब हाँ एक चीज़ ये है कि वीडियो में तो इतने सारे शॉट्स मैं डाल नहीं सकता,
तो इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा की आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहूँगा, IGTV बोलो या फिर इंस्टा वीडियोस स्टोरीज, कुछ ना कुछ तो पोस्ट करते रहूँगा। आई जस्ट होप कि मेरी बाइक सही सलामत हो, दिख तो रही है सही सलामत, वह दूर लगाई हुई है। तो अभी यहाँ से निकलते शिवलिंग के लिए, शिवलिंग पॉइंट देखते। ओके, तो बाइक यहाँ पे पार्क हो चुकी है और हम लोग पहुँच चुके हैं शिवलिंग पॉइंट। तो शिवलिंग पॉइंट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं हमेशा से यहाँ आता हूँ, मतलब जब भी मुझे लो फील होता है मैं हमेशा मेरे व्लॉग में ये बोलता हूँ, मतलब शिवलिंग पॉइंट से रिलेटेड या फिर लाइंस पॉइंट से रिलेटेड। तो अभी आप लोग व्यू इन्जॉय करो, उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो देख लिया गाइस, इसलिए मैं बोलता हूँ लोनावला बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मॉनसून में स्पेशली। तो यही मेरा मेन मोटो है ये मॉनसून में, कि आप लोगों को घर बिठाए सब व्यूज़ देना, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सके उतना मैं आप लोगों को पॉइंट्स की शेयर कराऊंगा घर बैठे बैठे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो नीचे जाके, वर्थ लगा ना तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, नहीं तो फिर अगर नहीं लगा तो डिसलाइक करो और कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बताओ कि और क्या देखना चाहते हो। बात करते करते कब ये हो गया यही नहीं समझ में आया, ये देखो पूरा कवर्ड हो गया और वो रहा शिवलिंग। वैसे आप लोगों को कुछ एक बात बता नहीं रहेगी, मतलब मेरे जो नए व्यूअर्स रहेंगे जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, तो ये है, ये पूरा कवर्ड हो जाता है और ये एक शिवलिंग का स्ट्रक्चर है, यहाँ से वहाँ तक एक माउंटेन रेंज टाइप है छोटा सा, तो इसलिए इसको शिवलिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक खास बात है ये पॉइंट की, कि यहाँ पे जो जीता हुआ सिकंदर की शूटिंग हुई, मतलब जो वो गिरता है पहाड़ से, तो वो शूटिंग यहाँ पे हुई थी। तो मैंने शायद से ये नहीं बताया लास्ट वाले व्लॉग में। तो एनीवेज गाइज, तो यही सब था आज के वीडियो के लिए। गाइज अपनी सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और साइड के बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन आए और आप लोग घर बैठे बैठे इन्जॉय करो। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, इतना अच्छा व्यू है, और फिर निकलूँगा घर पे। तो इसके बाद की जो लोकेशन होने वाली है, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वो तो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो लोग भी तो नहीं जा पा रहे लोनावला। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स डालते रहूँगा कि कब वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि इनको एडिटिंग के लिए टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं पूरा टाइम देके अच्छे से एडिट करके फिर अपलोड करने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी, सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ हेमंत राउत, बाय बाय। अभी मेरी थोड़ी फट रही है कि यहाँ पे कुत्ते आ गए हैं बहुत सारे, एंड दे आर काइंड ऑफ मेरे पीछे पीछे। अभी फट फट हेलमेट पहनना है और यहाँ से कल्टी।